आपको अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी होंगी जिनकी मदद से आपके बच्चे दाने का मुंह 10 सेंटीमीटर तक आसानी से खुल सके। नंबर 1, पानी की कमी। क्या आप जानते हैं डिलीवरी से पहले एक महिला के शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी होना एक बहुत बड़े खतरे का निशान होता है। साथ ही अगर आपके शरीर में पानी कम होगा तो बच्चे के चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड में भी पानी कम होगा, जिससे शिशु को भी दिक्कत होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे जरूरी चीज, आपको आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। इसके लिए आप नारियल पानी ले सकते हैं, गर्मियों का समय है तो नींबू पानी, गन्ने का जूस, रसीले फलों का आप सेवन कर सकते हैं। आप पानी ले सकते हैं सिंपल, छाछ, दही ले सकते हैं। अगर सर्दियों का टाइम है तो आप पानी की बजाय गुनगुने पानी का सेवन कीजिए। गुनगुने पानी का सेवन करने से आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल होती हैं और बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलने में आपको हेल्प मिलती है। तो आपके शरीर में पानी की कमी ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही अगर हो सके तो गुनगुने पानी से आपको नहाना भी जरूर चाहिए 8वें महीने के बाद। ऐसा करने से भी हमारी जो मसल्स होती हैं फ्लेक्सिबल होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमारी बॉडी रेडी होती है। नंबर 2, देसी घी। क्या आप जानते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए देसी घी को लेने की सलाह हर कोई आपको देता है। घर में नानी, दादी, मम्मी, हर कोई आपको ये चीज बोलेगा कि देसी घी खाना, देसी घी से नॉर्मल डिलीवरी होती है। देसी घी आपके शरीर में बहुत अधिक आपको हेल्प करता है, पोषक तत्व पहुंचाता है, इसी के साथ आपको स्ट्रेंथ देता है जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के समय चाहिए होती है। तो घी को आप दूध में ले सकते हैं, आप सब्जी में, रोटी में, जिस भी फॉर्म में आप घी खाना चाहें आप उस फॉर्म में घी को खा सकते हैं। आप लड्डू बनाकर ले सकते हैं, हलवा बनाकर ले सकते हैं, मगर देसी घी अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। गर्मी का समय है तो कम मात्रा में देसी घी का सेवन करें, मगर सेवन जरूर करें। नंबर 3, पपीता और अनानास। क्या आप जानते हैं पपीते और अनानास में कुछ ऐसे एंजाइम मौजूद होते हैं जो हमारे कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करते हैं या ट्रिगर करते हैं। क्या आप जानते हैं पूरी प्रेगनेंसी में अनानास और पपीते खाने को मना किया जाता है, क्योंकि ये संकुचन पैदा करते हैं जिससे हमारी समय से पहले डिलीवरी हो सकती है या मिसकैरेज हो सकता है। इसलिए शुरुआती समय में पपीता और पाइनएप्पल नहीं खाया जाता, मगर 9वें महीने में पपीते और अनानास का सेवन आप कर सकते हैं। ये मदद करता है हमारे बच्चेदानी का मुंह खुलने में, साथ ही आपकी बॉडी में जरूरी न्यूट्रिशंस भी देता है। तो आप 9वें महीने में पपीते और अनानास का सेवन कर सकते हैं, मगर डॉक्टर की सलाह और राय जरूर लें। नंबर 4, खजूर। क्या आप जानते हैं 9वें महीने में खजूर का सेवन अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपके बच्चेदानी का मुंह सही समय पे और आसानी से खुलने में मदद मिलती है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं, दर्द भी कम होता है, साथ ही समय भी कम लगता है। तो खजूर को आप मॉर्निंग में उठकर उसका सेवन कर सकते हैं नाश्ते के बाद, या आप दूध में खजूर पकाकर भी उसका सेवन कर सकते हैं। इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स को आप रात को भिगा दीजिए और मॉर्निंग में उठकर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कीजिए। काजू, बादाम, किशमिश, इन सारी चीजों को आप ले सकते हैं। इन चीजों का पाउडर बना के आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने से आपको न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, साथ ही आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस भी बढ़ते हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी ना हो। आप मौसम में मिलने वाले रसीले फलों का सेवन कर सकते हैं, सब्जी अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, दालों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए, छाछ लीजिए, खजूर लीजिए, जूस लीजिए, इन सारी चीजों का आप सेवन जरूर कीजिए। गर्मी का समय है तो नींबू पानी, ठंडी चीजें भी आप 9 मंथ में ले सकते हैं, मगर सर्दियों का मौसम है तो 9वें महीने में ठंडी तासीर की चीजें आप लेना अवॉइड कर सकते हैं। इसी के साथ आपको अपनी नींद पर भी ध्यान देना है। आपको कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे की नींद पूरी जरूर करनी चाहिए। अक्सर 9 मंथ में बहुत नींद आती है, मगर लोग हमें सोने नहीं देते। ये कहते हैं कि अगर आप ज्यादा सोएंगे तो इससे बच्चे का सर बड़ा हो जाएगा या आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें, मगर एक गर्भवती महिला की नींद भी सही से पूरी होना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि आप दिन भर में 8 घंटे जरूर सोएं। आप दिन में भी सोइए अगर आपको नींद आती है, बहुत अधिक नहीं सोना है, मगर अपनी नींद को पूरा जरूर करना है। इसी के साथ वॉक कीजिए सुबह और शाम,
योगा कीजिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, गहरी सांस लेना, गहरी सांस छोड़ना, डॉक्टर की सलाह लीजिए एक्सरसाइज करने से पहले, बैठकर झाड़ू लगाना, डक वॉक कीजिए, बटरफ्लाई कीजिए, स्क्वाट कीजिए, चेयर पोजीशन कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी नॉर्मल डिलीवरी में। इसी के साथ घर के बहुत भारी काम मत कीजिए जिसमें आप बहुत थक जाएं, या झुकना हो आपको, सामान भारी नहीं उठाना, सीढ़ियों पे ज़्यादा चढ़ना उतरना नहीं है, बहुत अधिक देर तक खाना पकाने के लिए भी खड़े नहीं रहना, पोजीशन को बार बार बदलते रहना है। पैरों में दर्द हो तो आप पैरों के नीचे तकिया लगा के सो सकते हैं, सूजन है तो गुनगुने पानी में थोड़ी देर पैर डिप करके रखिए, उसके बाद आपको आराम मिलेगा। रात को सोने से पहले भी अगर आप गुनगुने पानी से नहाते हैं तो इससे भी नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आशा करती हूँ हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फेसबुक या यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।